ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। घोटालों और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात करते हुए सड़क पर उतरे सचिन पायलट के खिलाफ अब अशोक गहलोत कैंप ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। एक और राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में सचिन पायलट से सवाल पूछते हुए पोस्टर लग गए हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर तीखा हमला बोल दिया है। विधायक संयम लोढ़ा ने क्या कहा है, ये आप खुद ही सुनिए। देखो, ऐसा है कि जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो विधानसभा में एक पीतल का गेट है जहाँ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो आसीन है उन्हीं की गाड़ी आती है। तो पहले तो तब रूठ गए जब उनकी गाड़ी पीतल के गेट पे नहीं आ सकी। फिर जब सचिवालय की बात आई तो जिद पकड़ के बैठ गए कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही मेरा कमरा होगा, वो हो नहीं सकता था, उन्हें दूसरी जगह दिया, तब भी वो रूठे हुए रहे। और फिर आप उप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो एक महीने में खाली करना होता है, लेकिन आपने ऊपर से टेलीफोन करवा के सामान्य प्रशासन विभाग से उस बंगले का निकलवा करके सूची से विधानसभा के पुल में डलवाया और आज तक आप उस सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। विधानसभा के अंदर जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए तो विधानसभा ने उनकी सीट मेरी बगल में उनको आवंटित की, तब भी उन्होंने ये उनको नागवार गुजरा और उन्होंने दिल्ली से फोन करवा करके सीनियरिटी नहीं होने के बाद भी पहली पंक्ति में सीट ली। और जिन बीजेपी की सरकार के घोटालों का वो जिक्र कर रहे हैं, पूरे 5 साल उन मुद्दों को मैंने उठाया है, तब कभी वो या उनकी टीम का एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और ये पेपर लीक का प्रकरण है, इसकी जांच में जो जो कमियां रही है, गृह विभाग की बहस पे, इससे पूर्व की बहस पे बहुत प्रभावी तरीके से उन सारे मुद्दों को उठाया हमने, लेकिन कभी भी उन्होंने इसमें साथ नहीं दिया। अब नाखून कटवा करके आप शहीद बनना चाह रहे हैं, ये राजस्थान है, राजस्थान की जनता है, पूरा अच्छे से समझती है कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है, इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं। तो अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाएं और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि हम लड़ लिए, हम लड़े नहीं हैं, हमें तो जनता ने खड़ा किया और जनता ने खड़ा किया तो हम खड़े हो गए और हम जीत गए। कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। और जो भी ये समूह दिख रहा है वो सब प्रायोजित समूह है और जो कदम उनको उठाए, ये राजनीति तो खुला मैदान है, किसने रोका है आपको, ये घोड़े और ये मैदान, सबका हिसाब सामने आ जाएगा। सचिन पायलट पर अशोक गहलोत कैंप की ओर से ये इकलौता हमला नहीं था। जोधपुर में सचिन पायलट की तस्वीर के साथ उनसे सवाल पूछते हुए कुछ पोस्टर लगे हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी तस्वीरें हैं। पोस्टर में इन दोनों की तस्वीर के साथ लिखा है कि संजीवनी घोटाले पर चुप क्यों हो, पायलट जी जनता जवाब मांगती है। नीचे 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फोटोग्राफ लगे हुए हैं जिनमें कुश गहलोत, संगठन महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर शहर उत्तर डॉक्टर भाकर राम बिश्नोई, जिला प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी जोधपुर दक्षिण और ललित कुमार गहलोत, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर दक्षिण शामिल हैं। अब आपको ये भी सुना देते हैं कि पोस्टर लगवाने वाले भाकर राम बिश्नोई क्या कहते हैं। पार्टी के अंदर एक विपक्ष की भूमिका, बार बार अशोक गहलोत बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इनके ऊपर ये अंगुली उठाते हैं सचिन पायलट साहब। चलो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है और राजनीति में उठानी भी चाहिए जनहित में, लेकिन मेरा उनसे एक सीधा सवाल है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद भी है और केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया संजीवनी घोटाला, लाखों हजारों लोग जिनके विचारों के खून पसीने की कमाई थी उनके पैसे डकार के वो चले गए, लेकिन पायलट साहब की जुबान शेखावत जी के मामले में बिल्कुल बंद है। कभी भी इन्होंने संजीवनी घोटाले के ऊपर अंगुली नहीं उठाई, ना कभी प्रश्न उठाया, ना सार्वजनिक रूप से उठाया, ना सोशल मीडिया में उठाया, ना सार्वजनिक मंचों से मीटिंगों में, कहीं भी इन्होंने शेखावत साहब के इतने बड़े घोटाले के ऊपर किसी भी तरह की कोई अंगुली नहीं उठाई है। तो मैं जोधपुर जिले की कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते सचिन पायलट साहब से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि आप शेखावत साहब के ऊपर
इस तरह के प्रश्न उठाने से बच रहे हैं, आपका ये रिश्ता क्या है। जैसे ही आप जनसंघर्ष यात्रा निकालते हो, अंतिम दिन आपकी जयपुर भाकरोटा के अंदर आपका रैली का समापन होता है, तो आपके फेवर में गजेंद्र सिंह शेखावत सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। तो मेरा एक सीधा सा और सिंपल सा सवाल है कि आखिर आपका रिश्ता क्या है शेखावत का और पायलट का, जो सार्वजनिक होना चाहिए। अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है, जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में इतना तो साफ हो रहा है कि सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की ये लड़ाई जो है इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, और ना ही अब कोई छुपकर वार करने वाला है। चौराहों पर पोस्टरों का लग जाना और खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान देना राजस्थान की जनता को सब समझ आ रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।